अरे यार, अगर मेरी वजह से लेट नहीं होगी तो किसकी वजह से होगी? हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अरे बाप रे, क्या देख लिया? सब लोग पीछे मुड़ो, उस तरफ देखो। क्या ये आज नहीं हो सकता? मुझे पता है अप्रूवल दोपहर से पहले नहीं आएगा, लेकिन एग्जीबिशन की अरेंजमेंट करनी है, हमें जल्दी चाहिए। हाँ, ये बस प्रिलिमिनरी प्लान है, लेकिन मैं। हेलो, तुम गू ग्रुप के प्रिंटिंग सप्लायर हो ना? उसने जो भी तुमसे कहा है वो आज रात तक मिल जाना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। शानदार। टेंशन मत लो। चेयर्स अच्छे से लगाओ। ठीक है। स्ट्रिप की दोनों साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। ठीक है। वो लैडर वहाँ रख दो, सब कुछ वहाँ रख दो। ब्लाइंड बॉक्सेस अच्छे से लाना। लाओ। थैंक यू। जिंग जिंग, एक डिजाइनर को ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। मुझे बस चेक करना है सब ठीक है या नहीं, जो चीज मैंने डिजाइन की है उसमें इन्वॉल्व होना है। ठीक है ना? ओके, मैं देख के आता हूँ। ओके। बराबर करो उन्हें। सब कुछ ठीक है, लेकिन गेट पहला एरिया है जो सबकी नजर में आएगा, उसे सिंपल रखो और डिटेल्स उन पर ध्यान दो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू डायरेक्टर, मैं इसे याद रखूंगी। 10 चेयर काफी होंगी। हाँ। चलो मेन पोस्टर खोलते हैं। हाँ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मेन पोस्टर कहाँ है? मैंने दोपहर में ही दे दिया था। देखिए डायरेक्टर, ये सिर्फ पूरी पिक्चर को बैकअप में देखने के लिए सही रहेगा। सो जिंग जिंग ने जो 3D पोस्टर बनाया है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और डिजाइन आज दोपहर में कंप्लीट हुआ है। रिप्लेस करने का टाइम नहीं है हमारे पास। कल एग्जीबिशन शुरू हो जाएगा और तुमने इसे अब तक रिप्लेस नहीं किया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। जिंग जिंग, अब डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, तुम जाओ ले आओ। ओके। डायरेक्टर के डेस्क पे एक बैकअप फाइल पड़ी है। ओके, मैं ले आती हूँ। मेरा काम हो गया। चेयर्स एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारे डिजाइन की वजह से हमारे फैन फन की सेल एकदम ऊपर जाएगी, तुम गू ग्रुप को आगे ले जाओगी। ये बस पोस्टर है, तुमने कहा उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, मुझे काम करने जाना है। बिल्कुल, आराम करो। तुम चाहे जहाँ भी जाओ, मैं हमेशा साथ रहूंगा। तो तुम मेरे साथ यही रहोगे। नौ बज गए? क्या तुमने मेरा अलार्म बंद कर दिया? मुझे देर हो गई, मुझे काम करने जाना है। अरे यार, अगर मेरी वजह से लेट नहीं होगी तो किसकी वजह से होगी? अभी मेरा मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, समझ गया। अरे बाप रे, क्या देख लिया? सब लोग पीछे मुड़ो, उस तरफ देखो। अब खड़े क्या हो, बाहर चलो। चलो 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 चलो। बताओ किस लिए आए हो?
कुछ नहीं बॉस, मैं सब संभाल लूंगा। आप जो कर रहे थे करते रहिए, लगे रहिए लगे रहिए। अरे जल्दी बंद कर। तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? अब वो गलत सोचेंगे। हम एक साथ रहते हैं, अब उन्हें क्या बताऊं? मिस्टर गु, बुरी खबर है। हाँ, ये वाला न्यूज़ में तो दिख रहा है, ये आर्टिकल भी दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये डेमोन ग्रुप का मेल थीम एग्जीबिशन है, उनका प्रमोशन हर जगह हो रहा है। सबसे जरूरी बात, उनकी डॉल्स का डिजाइन एकदम सेम है उन डिजाइन से जिन्हें लिंग याओजोंग ने फैन फन एनिवर्सरी के लिए डिजाइन किया। कैसे पॉसिबल है? क्या हो गया? कुछ तो होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? चीफ है, सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ और डेमोन की प्रेस किट भी लेकर आ जाओ, मैं उसे बाद में देखूंगा। इस प्रोजेक्ट में जितना भी स्टाफ इन्वॉल्व था सभी को ऑफिस में लेके आओ। ठीक है। ऑलराइट सर, चलो। डिजाइन डिपार्टमेंट के इंचार्ज तुम हो, मीटिंग में मैं तुम्हारा बैकअप प्रपोजल देखूंगा। ओके। सब ठीक है, इसका हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, दुखी मत। ठीक है। तो गाइस, कोई बैकअप प्रपोजल है? डायमंड काफी जल्दी काम कर रहा है और कुछ ब्लाइंड बॉक्सेस शॉपिंग मॉल के ब्लाइंड मशीन में जा चुके हैं और वो रेगुलर वाले हैं। अब अगर हम फैन फन के एनिवर्सरी इवेंट को बढ़ा दें तो मुझे डर है। असल में हमें लिन याओजोंग के डिजाइन को संभाल के रखना था सेफ्टी के लिए। वो ब्लाइंड बॉक्सेस मेरे ऑफिस में सिंगापुर से लौट कर आए हैं, मैंने खुद उन्हें अब तक नहीं देखा। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और इसका असर हमारे ग्रुप पर भी पड़ेगा। हाँ। तुम्हारे ऑफिस में और कौन जाता है? सीसीटीवी फुटेज देखो। सो, आप हमें बताएंगे कि आप उस समय वहां क्या कर रही थी? ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। मैं डायरेक्टर दू के ऑफिस गई थी सिर्फ पोस्टर की डिजिटल कॉपी लेने। मॉनिटर फुटेज में साफ साफ दिख रहा है वहां आपके अलावा कोई नहीं था। आपके ना मानने का कोई मतलब नहीं बनता। आपकी इस हरकत ने ना सिर्फ लिन याओजोंग को ऑफेंड किया है बल्कि इससे गु ग्रुप को भी भारी धक्का लगेगा। हाँ, अब अच्छा यही होगा कि मिस सू सबके सामने माफी मांगे। अगर हम अपने कस्टमर को रीअश्योर नहीं करते तो मुझे डर है कि इसका असर हमारे शेयर्स पर पड़ेंगे। आप लोगों के मेरे ऊपर शक करने के कुछ कारण हैं। आखिर मैं डायरेक्टर दू के ऑफिस में गलत समय पे चली गई, लेकिन मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि हम पता लगाए असल में क्या हुआ था। अगर मेरा किसी तरह का लेना देना है तो मैं खुद को माफ नहीं करूँगी, लेकिन इस मामले में मैंने ये नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगूं? अगर जिंगजिंग इसमें इन्वॉल्व है तो पक्का सबूत लेकर आओ। अगर कोई पक्का सबूत नहीं है तो जिंगजिंग पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। देखिए मिस्टर गु, हम केवल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन कंपनी के सीईओ होने के नाते आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी का सक्सेस होना चाहिए। लेकिन गु ग्रुप का सीईओ मैं हूँ, मैं बिना बात किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। और अगर आपको यहां पर किसी को ब्लेम करना ही है तो मुझे कीजिए। मैंने उस दिन सू जिंगजिंग को मेरे ऑफिस में भेजा था। इसकी जिम्मेदार सू जिंगजिंग अकेले नहीं है। और ये जो फुटेज हम देख रहे हैं
इससे साबित भी क्या ही होता है।